नमस्कार, स्वागत है आपका खुद के बॉस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको समय समय पर नए नए बिजनेस आइडियाज मिलते रहते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो और ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो ये काम उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसमें आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से ही शुरू कर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये बिजनेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, जिससे आपको सबसे पहले मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है वाटर पाउच पैकिंग एंड सेलिंग का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल तक चलेगा और कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि पानी सबकी जरूरत है और पानी के बिना जीवन असंभव है। तो इस बिजनेस की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और आपका बिजनेस भी हमेशा चलता रहेगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी और कहां आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी छूट ना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि किन किन चीजों पर आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। नंबर 1, वाटर पाउच पैकिंग मशीन। नंबर 2, प्लास्टिक पाउचेस। नंबर 3, मिनरल वाटर। नंबर 4, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब बात करते हैं वाटर पाउच पैकिंग मशीन की। ये मार्केट में भी अवेलेबल है और आप इसके बारे में ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए तक की है। ये मैं बात कर रही हूँ ऑटोमेटिक मशीन की। आपको इसके लिए मैनुअल मशीन भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है। इसकी कीमत है लगभग 20,000 रुपए तक की। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक ऑटोमेटिक मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 2000 से 3000 पैकेट की है और एक मैनुअल मशीन की 1 घंटे में 200 पैकेट तक की कैपेसिटी है। अब बात करते हैं प्लास्टिक पाउचेस की, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इन्हें मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से इसे परचेज करते हैं। और आप मार्केट में अवेलेबल होलसेलर जो वाटर पाउचेस को सेल करते हैं, आप उन होलसेलर से भी इसे खरीद सकते हैं। वाटर पाउचेस के रेडीमेड रोल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 110 रुपए से 150 रुपए तक की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल वाटर की। तो मिनरल वाटर की कैंस आप अपने शहर के मिनरल वाटर प्लांट लगाने वाली कंपनी या मिनरल वाटर होलसेल सप्लायर से खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों की मदद से आप वाटर पाउचेस तैयार कर इजीली उसे मार्केट में बेच सकते हैं। अब आप इसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे? आप अपने शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर या किराना स्टोर पर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप किसी और भी शहरों में जाकर इसकी मार्केटिंग कर इसकी सप्लाई दूर दूर शहरों को भी कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा इसकी मार्केटिंग करेंगे, उतने ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा और आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर बिजनेस उसकी मार्केटिंग पर ही डिपेंड करता है। तो आप जितनी अच्छी मार्केटिंग इसकी करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी और आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि ये खाद्य पदार्थ से रिलेटेड बिजनेस है, तो इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की भी जरूरत होगी, जैसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, MSME लाइसेंस, FSSAI एंड ट्रेड लाइसेंस। अब कर लेते हैं इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन। हम 1 घंटे के हिसाब से इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। एक मशीन 1 से 1.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। इसका खर्चा 5 रूपए। 1 घंटे में 3000 पाउचेस की प्रोडक्शन होगी, जिसमें पाउच रोल यूज होगा लगभग 400 रूपए तक का। 100 रूपए का मिनरल वाटर। 100 पाउचेस के लिए 1 कट्टे की जरूरत होगी, जिसकी कीमत लगभग 4 रूपए है। तो 3000 पाउचेस के लिए 30 कट्टे यूज होंगे, जो कि लगभग 120 रूपए के होंगे।
तो इन खर्चों का टोटल हुआ 625 रुपए और एक कट्टा लगभग 40 से 50 रुपए का मार्केट में बिकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक घंटे में 600 से 900 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।